नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश अयोध्या कैंट से चलकर अयोध्या कैंट एक्सप्रेसवे कहा जाने वाला पहले फैजाबाद एक्सप्रेसवे था, लेकिन फैजाबाद बदलकर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या कैंट इस स्टेशन को कर दिया है। वहीं पर अयोध्या अब संपूर्ण तरह से फैजाबाद का हटाकर अब संपूर्ण तरह से अयोध्या कर दिया गया, जिससे कि पहले की तुलना में अब अयोध्या काफ़ी विकास स्तर पर आगे बढ़ रही है। वहीं पर ट्रेनों की माने तो देख रेख, स्वच्छता और बहुत सी जो है स्वच्छता और नए नए डिजाइनों का भी आप विश्लेषण देख सकते हैं। सीट बेल्ट और बनावट अच्छी तरह से ट्रेनों को भी बनाया गया, जो कि आने जाने वाले लोग और यात्री और बड़े आराम से अयोध्या एक्सप्रेसवे से सीधे दिल्ली पहुंच सकते हैं। और यह बनावट और अच्छी देखरेख के साथ यात्री अयोध्या आने जाने वाले पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। लोगों को किसी तरह की दुख ना हो, इसे देखते हुए अच्छी तरह से इस बेंच और जो है भारत सरकार रेलवे मंत्रालय ने यह जो है अच्छी स्टैंडर्ड वाली या जो है सीटें लगाई है। अयोध्या पर्यटक स्थल है और अयोध्या आने जाने वाले लोगों को और उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसे देखते हुए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भी विभिन्न तरह के विभाग यहां पर लगाए गए हैं। और आराम के साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत सरकार रेलवे मंत्रालय ने अयोध्या पर्यटक स्थल को और अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए और यहां पर अयोध्या और मंदिर जैसे निर्माण हो स्टेशनों का, ये भी रूपरेखा देखी जा रही है। और लोग जो है अयोध्या, देश विदेश के लोग आ रहे हैं। वहीं पर अब अयोध्या आने जाने वाले लोग काफ़ी तादाद में देखने को मिलेगी, क्योंकि दीपावली अब आ रही है और दीप उज्ज्वल कर यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार पूरे विश्व को एक गिनीज ऑफ वर्ल्ड में पिछले 5 सालों में यह देखी जा रही है। अयोध्या एक्सप्रेसवे ट्रेन बड़ी आसानी से लोगों को लुभाने के लिए, लोग रेलवे में सुख सुविधाएँ अच्छी तरह से हो और इसे देखते हुए आगे बढ़ रही है। वहीं पर आपको बता दूं, रेलवे और अयोध्या कैंट को चमकाने के लिए लगातार प्रयास रेलवे मंत्रालय करती हुई दिखाई दे रही है। आप सभी से अपील है, कोई भी आप अयोध्या आ रहे हैं या आप जा रहे हैं, तो सुख सुविधाएँ यहाँ की बोलभास और पर्यटक के स्थल को और भी सौंदर्यकरण बनाने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसे आप देख सकते हैं कि चौड़ी सड़कें भी बनाई जा रही है चारों तरफ से, किसी तरह के आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और जो है यहाँ की तुलनात्मक कार्य बताया जाए तो काफ़ी विकास स्तर आने वाले सालों में आप देखेंगे। अयोध्या लगातार आगे बढ़ रहा है। अयोध्या की हर एक आने जाने वाले सफ़र में यात्रियों को भी काफ़ी जो है सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। कई ट्रेनें चलाई गई हैं जो कि लोग दिल्ली से सीधे अयोध्या कैंट पहुंच सकते हैं। अयोध्या धाम, जहां आप देख सकते हैं कि अयोध्या धाम आने वाले लोगों को हर एक आसानी के साथ साथ अपने दर्शन, विभिन्न तरह के मंदिरों का दर्शन और श्री राम पुरुषोत्तम भगवान जन्मभूमि का दर्शन और हनुमानगढ़ी का दर्शन बड़े आसानी से कर सकते हैं। यह अयोध्या धाम एक लगातार आगे विकसित के साथ साथ आगे बढ़ते हुए नज़ारा आप देख सकते हैं। तो यह सफ़र के दौरान आप देख सकते हैं ट्रेनों की सफ़र लगातार स्वच्छता मिसाल बनती जा रही है। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।